उधर पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों से परेशान होकर लोग सीएनजी की तरफ रुख कर रहे हैं, लेकिन अब सीएनजी के दाम भी पेट्रोल के बराबर होने जा रहे हैं, जिसका असर अब बल्लभगढ़ में सीएनजी की बिक्री में देखने को मिल रहा है। कोरोना काल में हुए आर्थिक नुकसान से लोग उभर ही रहे थे कि अब महंगाई ने लोगों की चिंता को और बढ़ा दिया है। आए दिन पेट्रोल, डीजल, दाल, आटा, सब्जी समेत अन्य खाद्य सामग्रियों के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है, जिस वजह से आम आदमी काफी परेशान है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि परिवार के लिए दो वक्त की रोटी का जुगाड़, बच्चों की स्कूल ट्यूशन की फीस, बड़े बुजुर्गों के दवा पानी का खर्चा, कैसे वो इस महंगाई के दौर में परिवार का पालन पोषण कर पाएगा, इसकी टेंशन पहले से ही दिन रात उसे खाई जा रही है कि अब सीएनजी के दामों में भी रोजाना इजाफा हो रहा है, जिसके चलते सीएनजी से चलने वाले वाहन चालक काफी परेशान हैं। बात करें बल्लभगढ़ की तो यहां सीएनजी 79.91 रुपए प्रति किलो मिल रही है और इसकी बिक्री में भी कमी नजर आ रही है। सीएनजी के भी रेट बढ़ रहे हैं। डेली उस टाइम किसी टाइम 52 रुपए सीएनजी थी, आज 78.99 सीएनजी। बताओ कहाँ गरीब आदमी कहाँ से चलेगा। इधर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इधर सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं। आदमी कहाँ चलेगा, क्या खाएगा, क्या करेगा। आदमी तो ऐसे तो गाड़ी में भी घूमना बंद कर देगा। खाना खाना मुश्किल हो रहा है। सीएनजी दाम इतने बढ़े, सरकार ने ग्रेड बढ़ाया नहीं है, इसलिए सबको महंगाई महंगाई दिख रही है। और महंगाई है भी, कोई कोई आलू वाले को बोलता नहीं, इन गाड़ियों खरीदने बेचने वालों को बोलता नहीं, ऑटो वालों को बोलते हैं तुम्हारा किराया ज़्यादा है। ओनली ऑटो वाले के सिवा कोई किसी से बोलता ही नहीं है किसी भी बात में। ना कोई सब्जी पे बोलता, ना कोई दाल रोटी पे बोलता है, ना कोई बिजनेस मैन पे बोलता है। इस सरकार ने तो सबका जीना दुखी कर दिया है। सीएनजी के नाम और सवारी भी पैसे नहीं दे रही है, सवारी भी पैसे नहीं दे रही है, और अगर बढ़ा भी रखे हैं 10-5 रुपये तो 5 रुपये के खुले नहीं देती सवारी, वही 10 के सामने होता है। और सीएनजी के रेट इतने बढ़ गए कि हद से ज़्यादा के सारे लोग परेशान हैं। पिछले दिनों के मुकाबले कितने रेट बढ़े हैं? पिछले दिनों के मुकाबले अब जो है 78.99 रुपए। राहत राहत और राहत, लोग अब सरकार से महंगाई में थोड़ी राहत की मांग कर रहे हैं। साहब से गुहार लगा रहे हैं कि कोरोना के कारण आर्थिक तंगी पहले से ही काफी बेहाल किए हुए है, और ऊपर से अब बढ़ते पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम के साथ खाद्य सामग्री के दामों ने खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया है। देखने वाली बात ये होगी कि सरकार पर जनता की गुहार का असर कब तक और कितना होता है। बल्लभगढ़ से संवाददाता मुकेश राजपूत की रिपोर्ट।